हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैज़ कैश ऐप से दूसरे जैज़ कैश अकाउंट में, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जैज़ कैश ऐप ओपन करनी पड़ेगी। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये इसके बाद लॉगिन, ये फिंगर, पासवर्ड भी लगा सकते हैं, फिंगर भी लगा सकते हैं। ये पहले नंबर पर है मनी ट्रांसफ़र, इसको आपको क्लिक करेंगे। ये पहले माय फेवरेट्स के बाद है कैश, येस कैश ट्रांसफ़र, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने वो नंबर सर्च करना है जिस पर आपने पैसे सेंड करने हैं। अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा तो वो नंबर इधर आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो नंबर सेव नहीं किया, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वैसे लिखूँगा इस पर। ये मैंने चेक कर लिया, ये नंबर ठीक है। अगर इस नंबर पर अकाउंट होगा तो इधर ऐसे शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ऐसे नहीं शो होगा। इसको क्लिक करूँगा। अब इधर जितनी आपने पैसे सेंड करने हैं उधर आप लिखेंगे। ये डेली लिमिट है 4 लाख, 4 लाख तक एक दिन में आप सेंड कर सकते हैं। क्योंकि तो मैंने सिर्फ 1900 सेंड करना है, तो इधर मैं लिखूँगा 1900 नीचे सेंड। इस पर ये आ गया, इसको मैंने पैसे सेंड करना है। अगर आप चेक कर लेंगे, इसका नाम आ गया, ये नंबर, आपका नंबर, सारा कुछ इधर चेक कर लें पहले कि ठीक है। उसके बाद आपने ये कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म क्लिक कर दिया, इधर आप बायोमेट्रिक लॉगिन, फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं और 400 का कोड भी। जैसे ही मैंने ये फिंगर लगाई और ये पैसे उसको सेंड हो गए। अगर इसको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। ये गैलरी में आपका सेव हो गया। चेक करें इधर आपका ये बैलेंस है, ये 1900 कट गया। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।